रविवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संभागायुक्त आनंद शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, भाजपा विधायक पारस जैन व विद्वान ज्योतिष आनंद शंकर व्यास ने परंपरानुसार भगवान श्री कृष्ण सुदामा की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण सांदीपनी आश्रम आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है, परंतु परंपरा का निर्वहन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने पूजा अर्चना की। यहाँ संभागायुक्त ने संदेश दिया कि सभी लोग अपने गुरु का स्मरण करके कोरोना काल की संकट घड़ी से निकलने की प्रार्थना करें। पूर्व मंत्री व वर्तमान भाजपा विधायक पारस जैन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा ने उज्जैन में शिक्षा अध्ययन की थी। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने भी इसी नगरी में शिक्षा अध्ययन की है। इस दौरान कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय पंडित बालकृष्ण शर्मा, एसटीएम राकेश मोहन त्रिपाठी के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। आनंद शंकर जी व्यास हैं, उनके साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। परंपरा पुरानी है सांदीपनी आश्रम की, गुरु पूर्णिमा की। तो चूँकि कोरोना समय चल रहा है तो परंपरा भी निभ जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज़्यादा लोग ना रहें, तो सीमित संख्या में हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की है। और गुरु पूर्णिमा जो है बड़ा शुभ दिन है। आज का संदेश यही है कि अपने अंतर्मन में जो हमारे विराजमान अच्छाइयाँ हैं उनको हम जागृत करें और अपने अपने गुरु को, जिसको भी आपने गुरु माना है, उनका स्मरण करके और इस कार्यकाल को निकालें जो ये समय कठिन आया है। उस उज्जैन में गुरु पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है कि विश्व का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र उज्जैन था। 5247 वर्ष कृष्ण के जन्म को हो गए, उसके बाद वो उपनयन के बाद में अध्ययन के लिए आए थे। आज बहुत बड़ा लंबा समय हो गया, विश्व में उस काल में कोई भी शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो इस दृष्टि से विश्व का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र होने के नाते विश्व भर के शिक्षा और कला संस्थान के लिए एक बड़ा तीर्थ है। इसका महत्व विश्व भर में सबसे अधिक है, तो उज्जैन में ये तीर्थ होना हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा और बलराम पढ़ने को आए और कृष्ण को यहाँ जगत गुरु और अपने योगीराज के रूप में सम्मान दिया गया, ये उपाधि दी गई, और यहाँ के अध्ययन ज्ञान विज्ञान की ऊर्जा से उन्होंने गीता का उपदेश सारे विश्व को दिया जो आज भी पूजा जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से 43 वर्ष पहले ये 43वां महोत्सव था। प्रथम संभाग बनने के बाद संभागायुक्त संतोष कुमार शर्मा से कहकर के हमने ये शुरू किया कि सांदीपनी आश्रम में विश्व के प्राचीनतम गुरुकुल के रूप में यहाँ शिक्षा विभाग, संभाग कार्यालय, हमारी संस्था और सांदीपनी आश्रम और तथा कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, ये सब मिलकर के यहाँ उस कार्यक्रम को अच्छे भव्य रूप से आयोजन करें ताकि यहाँ की पहचान विश्व तक जाए। तो ये 43 वर्ष शुरू किया था, आज 43वां महोत्सव था। हमने ये परंपरा बनाई कि एक तो संभाग का प्रशासन प्रमुख, एक शिक्षा का प्रमुख यानी कुलपति, आयोजनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी और हमारी संस्था, ऐसे सब मिलकर के, तो ये सारे प्रशासन का प्रमुख, कलेक्टर, कमिश्नर, कुलपति, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय शिक्षा अधीक्षक और हमारी संस्था मिलकर पूजन करें और बाकी विस्तृत कार्यक्रम में जो है अपने गुरु शिष्य का सम्मान, तो जो प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी आए उनका सम्मान और उनके गुरु का सम्मान और एक वयोवृद्ध शिक्षक का सम्मान, ये परंपरा वर्षों से चलती रही। इस बार ये स्थिति होने के कारण, परिस्थिति जन्य होने के कारण केवल पूजन को कायम रखा, जबकि पूजन के लिए भी इनकार आ गया था, लेकिन फिर भी मंदिर बंद है, वो मंदिर खुलवाया कलेक्टर कमिश्नर से कह करके, उस परंपरा को नष्ट होने से रोका गया और आज विधि विधान से वहाँ पूजन ढंग से की गई, जिसमें कुलपति, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, आईजी साहब और जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय शिक्षा अधिकारी और मैं, हमारे यहाँ के पंडित, ये सब वहाँ उपस्थित होकर के विधि विधान से भी पूजन संपन्न हुई। कई वर्ष पुराना आश्रम है, उज्जैन जो है धर्मनगरी है, कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली, जहाँ कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की हो, हम सब भी भाग्यशाली हैं कि हमारा सबका भी जन्म उज्जैन का है, हमने भी यही शिक्षा प्राप्त की है।
जिस प्रकार कोरोना का महामारी है उसको देखते हुए आज पूजन अर्चन उस नियमों का पालन करते हुए कहा है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, माता पिता के आशीर्वाद के साथ गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो आदमी की जिंदगी धन्य हो जाएगी। आनंद शंकर जी व्यास जी का हमेशा आदेश उनका मुझे आता है, कल भी मेरे को उन्होंने कहा था और हर वर्ष मैं आता हूँ, अभी शायद कोई एकाध वर्ष से चुका होगा कि नहीं आने का होगा। तो हर पूरे प्रदेश की जनता को यही गीताओं के गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझे, गुरु का यदि आशीर्वाद मिल गया और माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है।